हाँ भाई प्रदीप, कैसा लग रहा है पहली बर्फ में? मेरी पहली नहीं है। अच्छा, आपकी मेरी पहली तो तुम्हारी जो भी बर्फ है उसमें कैसा लग रहा है? हर बर्फ जो पड़ती है वो पहली बर्फ जैसी लगती है। खैर, ये तो बात ही है। बर्फ भी प्यार की तरह होती है, जब भी मिलो पहला लगता है, पहला ही लगता है। और आज तो वैसे भी हग डे है, गले लगने का दिन है, और हम दोनों अकेले एक दूसरे गले लगेंगे। चलिए, वैसे मैंने पहली बार इतनी बर्फ पड़ते हुए देखी है, पर यहाँ की बर्फ थोड़ी अलग है। नहीं, हाँ, ये पाउडर वाली बात। हाँ, पाउडर शेप में छोटे छोटे पार्टिकल गिरते हैं, बाकी जगह पे रूई की तरह बर्फ गिरती है। चलो क्वार्टर में चलें यार, कुछ खाना वाना बनाएं। यहाँ लाइट भी नहीं है, कुछ खिलाने वाला भी नहीं है। हाँ, अपना बनाना, अपना खाना बनाना है, अपना खाना है। बाप रे, बड़ी ठंड है यार, बड़ी ठंड है। टेम्परेचर -20 तक तो हो गया होगा ना, या हल्से नीचे? -20, और रात को तो शायद -30 तक चला जाएगा। परसों ऑक्सीजन कम है। हाँ, बुरे हाल है यार। और इतनी देर में हम थक चुके हैं। हाँ, शायद मैंने हम लोगों ने 50 कदम ही नहीं उठाए होंगे। कपड़ों पे बर्फ जमी हुई है, ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। आसपास का एनवायरनमेंट, हाथ पूरे चिल हो चुके हैं, लग रहा है अभी अंगूठा टूट के अलग हो जाएगा। मुझे तो एकदम हाथ पत्थर जैसा लग रहा है कि जैसे जम गया। और यार दोस्त हमको देख के कह रहे हैं कि ये वीडियो बना रहे हैं, पगला गए। खैर, ये तो बात है, पगला तो गए हैं। बर्फ़ पड़ी है अभी पहली बार, तो पगलाएंगे ही सही। चलो एक राउंड ले लेते हैं, राउंड सॉफ्ट शॉट लेते हैं सब जगह का, ऐसे घुमा के। ये क्वार्टर आ गए हमारे, ये पीछे वाले पहाड़, और ये फिर से हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। स्कूल मुड़ रहा है, ये स्कूल दिखाई दिया, और अब हम वापस अपनी जगह पे आ गए। और चलते हैं क्वार्टर में, नहीं तो फिर ठंड के मारे मर जाएंगे। यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है, और तीमारदारी करने वाला भी कोई नहीं है, अगर बीमार पड़ गए तो। यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ, एक्सीडेंट हो गया बच्चा। अच्छा, ठीक। चलो भाई, गिर मत जाना यार, अब तो बंद कर लें।